नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों मेरे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि प्याज की खेती कैसे किया जाता है, इसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इसकी कितनी बार जुताई की जाती है, इसमें किन बातों का हमें खास ध्यान रखना है और किस तरह इसको खेती किया जाता है, किस तरह लगाया जाता है, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल परिवार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। सर जी आपका नाम क्या है? राम अचल पटेल। गांव पूरा एड्रेस बताइए। सराय सेत राय। और जिला कौन सा है? जिला प्रतापगढ़, थाना रानीगंज, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप ये प्याज की खेती जो है कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? करीब 8-10 वर्षों से। तो ये बताइए, इसको जैसे हमें हमारे जो भी किसान भाई हैं, अगर उन्हें प्याज का जो खेती करना है तो इसमें शुरुआती किस तरह से हमें करना है, इसकी खेत की जुताई किस तरह से करते हैं आप, कितनी बार? जुताई मिट्टी के ऊपर है, जितना भुरभुरी हो जाए उसके बाद। फिर भी एक लगभग एक अंदाज होगा हमें कितना बार इसको जुताई करवा देना चाहिए? 4-5 बार। 4-5 बार। तो 4-5 बार अभी तो आपके यहाँ प्याज जो है लगाया जा रहा है, तो आप जो है इसको प्याज खरीद कर लगाते हैं कि खुद के आपके यहाँ बेहन डालते हैं? खुद का नर्सरी तैयार करते हैं। खुद से नर्सरी तैयार करते हैं? तो अभी जो नर्सरी तैयार किए है कि सब खत्म हो गए? अभी है, तो बाजार में बेचते भी हैं उसको? नहीं, सिर्फ लगाने के लिए। तो अभी आप कितने विश्वों में ये प्याज के जो है नर्सरी जो है लगा रहे हैं आप? करीब 3 विश्वा है। 3 विश्वा है। तो इसमें लगभग मान लीजिए कि अभी इसकी दूरी किस तरह तय करते हैं, आइए इधर नजदीक से। आप जो ये प्याज है इसकी दूरी कितना रहता है, जो लगाने की तरीका है? दूरी करीब बैठ जाइए, 6 इंच लगभग रखते हैं। 6 इंची दूरी इसकी होनी चाहिए। ये ऊपर से जो है कट कट कर क्यों गया है, काट दिए हो कि? हाँ, काटे हैं। इसका फायदा कुछ कारण? जल्दी इसका पेड़ सीधा होगा। सीधा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसको आप अभी लगा दे रहे हैं तो इसकी सिंचाई कितने दिन बाद होनी चाहिए? सिंचाई तुरंत हो जाए ज्यादा बेहतर है। तुरंत होने पर ज्यादा ठीक है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे इनकी जो दूसरा खेत है इसमें जो है सिंचाई अभी हो चुका है। इसको भी कब लगाया था? आज ही लगाए हो? सुबह लगाए थे। यानी कि जब भी प्याज लगाया जाए तो उसकी तुरंत सिंचाई कर दें तो ज्यादा ठीक रहता है। तो इसके लिए जो इसकी सिंचाई लगाने का जितना पास सुविधा है पानी का, तो तुरंत कर देना चाहिए। तो मान लीजिए इसकी आपने सिंचाई कर दिया है तो इसकी पहली गुड़ाई कब करेंगे? करीब 15 दिन के बाद ही होगी। 15 दिन के बाद? 15 दिन के बाद तो गुड़ाई किया जाएगी इसका। जब गुड़ाई करेंगे तो इसमें अभी मान लो सिंचाई करने के बाद 15 दिन बाद गुड़ाई करेंगे, फिर खाद वगैरह कब डालते हैं? वही गुड़ाई के बाद एक बार और डालेंगे। एक बार और डाल देंगे तो इसमें जो है दूसरी बार, पहली बार जब खाद अभी डाले हैं? नहीं डाले। कौन सी खाद डाले हैं? डीएपी डाले हैं, पोटाश डाले हैं। डीएपी और पोटाश? तो इसमें डीएपी पोटाश इसमें डाल चुके हैं, ये मतलब पहली बार खाद पहले ही पड़ गई है। तो मान लीजिए जब 15 दिन बाद इसकी गुड़ाई करेंगे तो गुड़ाई करने के बाद कितना दिन बाद खाद डाला जाता है? वही सिंचाई करने के लगभग जिस दिन सिंचाई होगी। यानी गुड़ाई करने के बाद कितने दिन बाद सिंचाई होगी दूसरी? एक हफ्ते बाद सिंचाई हो जाएगी। तो सिंचाई होने के बाद जो है फिर खाद कब डाला जाता है, जब पैर न धंसे? नहीं, तुरंत डाल तब सिंचाई होती है, मतलब खाद डालने के बाद सिंचाई होती है। तो ऐसे ही कितनी बार मान लीजिए इसको सिंचाई, फिर मान लो कि दूसरी बार अगर पानी देने के बाद फिर जो है आप सिंचाई करते हैं? हाँ। तो कितना ये पानी लेता है लगभग, अंदाजे? पानी लगभग 10-12 बार या 15 बार मौसम के ऊपर है। 10-12 बार 15 बार? हाँ। जैसे मौसम है, मौसम के ऊपर, जैसे बारिश हो जाए? हाँ, तो कम हो जाएगी। इसका मान लो तैयार होने की टाइम कितना होता है, जैसे आप लगा दीजिए तो इसको तैयार होने में कितना समय बाद ये तैयार हो जाए? लगभग 3 महीने। तो मान लीजिए इसका कुछ है कि इसको मतलब ज्यादा बड़ा प्याज लेने के लिए, जैसे इसमें ज्यादा ग्रोथ हो, उसके लिए क्या किया जाता है? कोई दवा है रोग से बचाने के लिए बस? और मान लो जैसे ये दूरी है, जैसे और नजदीक कर दिया जाए इस बीज को, तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, उसके ग्रोथ में? हाँ, निराई गुड़ाई में दिक्कत होगी। हाँ, ना मान लो अगर जैसे बहुत नजदीक कर देते हैं तो भी इसका छोटा होगा बड़ा? हाँ, होगा? छोटा हो जाएगा। तब छोटा हो जाएगा, जगह भी नहीं। तो जगह जो आप दिए हैं इतना ही जगह मान लीजिए होना चाहिए जितनी दूरी है इसकी। अगर ज्यादा नजदीक करेंगे तो इसमें जो प्याज आएगी वो छोटी रहेगी, ज्यादा उसका ग्रोथ नहीं होगा। मान लो जैसे जितनी दूरी रहेगी उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। तो मान लीजिए कि इसको अभी इसमें खाद वो तो डाल दिए हैं, जो
घास भी जानती है, घास नहीं जानेंगे इसमें कौन सी घास आती है इसमें? पथरी ज्यादा जानती है। तो जो पथरी आते है तो इसका आप गुड़ाई करके निकालते हैं कि दवा डालते हैं? नहीं, गुड़ाई से ही निकलेगी, दवा नहीं सकेगी। मतलब गुड़ाई से ही निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए तैयार होते होते इसको कितनी बार हमें कब कब इसकी गुड़ाई करना चाहिए? वही खरपतवार जितना बड़ा होगा वही हाँ। निकालना पड़ेगा। तो इसका यह है कि जितनी बार आप सिंचाई करेंगे उतनी बार इसकी गुड़ाई जरूरी नहीं, है? नहीं, गुड़ाई तो एक ही बार होती है। एक ही बार हाँ। यानी अभी जैसे आप ये सिंचाई कर दिए हैं तो हाँ। कितने दिन बाद गुड़ाई करेंगे? 15 दिन बाद। एक बार गुड़ाई होगी फिर दोबारा गुड़ाई नहीं करना है? दोबारा नहीं था। इसमें सिर्फ यही पानी का व्यवस्था देखना पड़ेगा, सूखने ना पाए। हाँ, वही खरपतवार निकालना पड़ेगा। तो पानी मान लीजिए कितना दिन बाद हमें पानी दे देना चाहिए लगभग? मतलब अभी तो पहला पानी आप आज ही दे दिए हैं लगाने के बाद ही, अभी दूसरा पानी कितना दिन बाद देंगे? एक हफ्ते बाद फिर देंगे। एक हफ्ते बाद फिर वो पानी देने के बाद फिर कितना दिन बाद गुड़ाई करेंगे? फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर सिंचाई करेंगे। मतलब कि ऐसा है कि वो जब पक जाएगा गुड़ाई हाँ। होगी, गुड़ाई होने के बाद एक हफ्ते बाद फिर पानी देंगे, यानी यही कि सूखने ना पाए। हाँ, मिट्टी बहुत टाइट ना हो पाए। तो इसमें ज्यादा ग्रोथ लेने के लिए मिट्टी का भी कुछ अहम भूमिका रहता है? कोई कड़ी मिट्टी है, कोई बलुई मिट्टी है? जैसे बलुई मिट्टी ज्यादा ठीक पड़ती है प्याज के लिए कि कड़ी मिट्टी? नहीं, कड़ी मिट्टी ज्यादा, कड़ी मिट्टी रहेगी तो उसमें ज्यादा ग्रोथ होगा। तो आप जो इतना प्याज रख रहे हैं इसमें मान लो कि कितना बिस्सा बता रहे हैं? 3 बिस्सा होगा। 3 बिस्सा तो एक अंदाज तो होगा कि ये आपका 3 बिस्सा है तो 3 महीने में तैयार हो जाएगा? 3 महीने। अगर ये तैयार हो जाता है तो इसमें आपको किस तरह से बेनिफिट मिलता है? मान लो प्याज की क्या रेट मिल जाता है अभी? अब पिछली बार आप जब इसको लगाए थे तो आपको क्या रेट मिला था? आपको जो है रेट कितना रेट, अगली बार जब आप तैयार हुआ था प्याज तो कितना रेट मिला था आपको? करीब 25-30 रुपए किलो के हिसाब से बेची थी। तो आप इकट्ठा में बेच देते हैं कि मान लो कि थोड़ा थोड़ा बेचते हैं बाजार में? थोड़ा थोड़ा ही बेचते हैं, बारिश में कुछ रहता नहीं है हाँ। खर्चे के लिए वही थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। तो बाजार में बैठकर बेच देते हैं, 25-30 रुपया चला जाता है। तो इसमें मान लीजिए जो आपका ये 3 बिस्सा है इसमें टोटल कितना प्याज का इनकम हो जाएगा, कितना कुंटल तक हो जाएगा इसमें? प्याज के ऊपर है जितना, फिर भी एक अंदाज तो होगा। पिछली बार भी आप खेती इतना दिन से, कितना दिन से खेती कर रहे हैं आप? करीब 10 साल से। 10 साल से, 10 साल का अनुभव तो होगा। मान लीजिए 3 बिस्सा में है तो कितना लगभग हो जाएगा आपको इनकम, इसमें कितना प्याज आएगा, कितना कुंटल? 6 कुंटल हो जाएगा। 6 कुंटल मान लो अगर 6 कुंटल होता है 30 रुपए के हिसाब से अगर बिक जाता है, आपकी बार भी यही रेट मिल जाए तो आपको कितना इसमें इनकम हो सकती है? 18-20 हजार हो जाएगा। 18-20 हजार इसमें आपकी लागत कितनी होगी लगभग, एक अंदाज? 3 बिस्सा में प्याज लगाने की लागत कितनी होगी? लागत तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी इसमें 900 रुपए एक बीया डाले हैं हाँ। और 10 किलो खाद अभी डाले हैं, 15 हाँ। किलो 10 अच्छा। किलो DAP 5 पोटास। अच्छा अच्छा, यानी लगभग 2000 के लगभग हाँ। खर्च हो जाएगा हाँ। तो मान लो आपको 15-16 हजार रुपए आराम से बच जाएगा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हाँ। ना? तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा इसी तरह से प्याज की खेती किया जाता है।